तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। और मैं हूँ डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। सियाटिका के मरीजों के लिए ये वीडियो है, और सियाटिका के मरीज क्या ना करें उस पर ये वीडियो है। भूल कर भी सियाटिका के मरीज इन बातों को ना करें, अदरवाइज आपकी तकलीफ बढ़ सकती है या आपको जो दर्द हो रहा है वो बढ़ सकता है। मैंने अक्सर देखा है, जितने मरीज हम लोग देखते हैं अपने क्लिनिक में, वो आकर कंप्लेंट करते हैं कि सर जब से पेन हुआ मुझे, जैसे ही पेन हुआ मैं एकदम तुरंत जाके दवाइयाँ स्टार्ट करी और उसके बाद फिजियोथेरेपी और योगा बहुत किया मैंने। तो जैसे ही उनका पेन स्टार्ट हुआ था उसके बाद मेडिसिन ली, जो भी मेडिसिन उन्होंने ली या पेन किलर्स लिया, जो भी लिया, वो चले गए फिजियोथेरेपी करने। और बहुत ज़्यादा हैवी फिजियोथेरेपी और मसाज भी हुई उसमें, और फिजियोथेरेपी कि एक्सरसाइज हुई, और एक्सरसाइज होने के बाद पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। भूल कर भी ना करें। यदि आपको एक्यूट पेन की कंडीशन है, शुरुआती कंडीशन है पेन की, तुरंत में 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन कम से कम 1 हफ्ते तक फिजियोथेरेपी ना कराएं यदि आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है। क्योंकि सीवियर पेन की कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं, आप मेडिसिंस लेते हैं पेन किलर और फिर चले जाते हैं फिजियोथेरेपी कराने, या योग करने लग जाते हैं, या एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। बिल्कुल ना करें। मैंने अपने बाकी सभी वीडियोस में इस बात का एडवाइस किया हुआ है, लेकिन आज स्ट्रिक्टली इस बात को एडवाइस कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली मैंने ये देखा है कि जो पेशेंट्स एक्यूट पेन में है, तुरंत जिन्हें अभी कुछ समय पहले दर्द चालू हुआ और बहुत तेज दर्द होता है, वो एकदम से एक्सरसाइज और योगा और फिजियोथेरेपी करने लग जाते हैं, उनका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर एडमिट होने तक की नौबत हो जाती है, इंजेक्टेबल्स लेने पड़ते हैं पेन किलर के रूप में। तो भूल कर भी ये नहीं करेंगे कि आप तुरंत से बहुत हैवी योगा स्टार्ट कर दें। करना ये है आपको, आप बहुत ज़्यादा मात्रा में रेस्ट करेंगे, कंप्लीट रेस्ट करेंगे। आप कंप्लीट रेस्ट जब आप करेंगे तो आपका स्पाइन मसल स्पाज्म को रिलीज करेगा और नर्व कंप्रेशन की वजह से जो पेन होता है उसको रिलीज करेगा, और स्पाइन का पेन आराम हो जाएगा। उसमें सियाटिका का पेन, जो सियाटिक नर्व के दबने की वजह से होता है, वो आराम लग जाएगा। कुछ दवाइयों की लिस्ट मैं जैसे अक्सर देता हूँ, वो दवाइयाँ मैं आपको नीचे बताऊँगा कमेंट बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में भी मैं इस बात को का जिक्र करूँगा। दवाइयों के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं देश में कहीं से भी, और चाहें तो आप ऑफलाइन जो आपके स्टोर्स हैं, होम्योपैथी फार्मेसीज हैं, वहाँ से ले सकते हैं। आपको पूरी तरह छूट है, हम किसी भी तरह से आपके कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं या कंसल्टेशन का भी कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। हम सीधे आपको ये मेडिसिन बता दे रहे हैं, आप इसे लीजिए और अपने डॉक्टर से भी सलाह लेते रहिए जिनको आप दिखाना चाहते हैं। MRI रिपोर्ट आप चाहें तो हमें भेज सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, लेकिन उसमें फ़ोन मत कीजिएगा, वो व्हाट्सएप नंबर है। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि ज़्यादातर केसेस, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस होते हैं सियाटिका के, उनमें होता यह है कि आपने किसी तरह का वेट लिफ्ट किया या कोई वजन उठा लिया और उसके बाद नस लग गई। तो नस लग गई और उसके बाद 2 महीने तक आपका दर्द ठीक नहीं होता है, तो समझ लीजिए आपका सियाटिका है, और इस कंडीशन में आपके पैरों में तलवों तक दर्द जाएगा या झुनझुनी बनी रहेगी, नंबनेस जिसको बोलते हैं। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी वजन नहीं उठाना है। ऐसा है, ये 2 टिप आप यूज़ करेंगे और इससे आपका जो दर्द है उसमें आपको आराम लगेगा, और ये जो दर्द आपको हो रहा है वो तब तक आपको आराम नहीं लगेगा जब तक आप पूरी तरह रेस्ट नहीं करेंगे। कंप्लीट बेड रेस्ट करें और कोशिश करें कि बिल्कुल भी ना मूवमेंट करें कुछ दिनों के लिए। कम से कम यदि आपको एक्यूट पेन है तो 3 से 4 दिन आप बिल्कुल मूवमेंट ना करें, केवल वही मूवमेंट करें जो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज बिल्कुल मूवमेंट ना करें। और आपकी जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई है, या नीचे मैंने जो दवाई प्रिस्क्राइब की है वो आप ले सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम लगेगा। आशा है ये वीडियो आपको बाकी वीडियो की तरह ही बहुत फ़ायदा देगा और पसंद आएगा। लाइक्स जिस तरह से आप कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और बताएं हमें कि आपको किस तरह की तकलीफ है और आपको कौन सी समस्या है और कौन से सवालों का जवाब आप वीडियो के माध्यम से चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।